हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कम्युनिटी पोस्ट पर कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली जब से मैं रशिया से वापस आया हूँ तब से रशिया के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करना था उनके लिए काफ़ी मीटिंग अटेंड कर रहा था। और जैसे आपको पता है सभी लोगों की मेरी एक GTT कंसल्टेंसी कंपनी है और मैं आप लोगों को कंसल्ट करता हूँ आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जितने भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल में मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके पास मैन पावर का लाइसेंस है तो उनके बिहाफ पर मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी कर देता हूँ कि आप इनसे अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। सेम एज ए रशिया के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो एक गुड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए, अभी जो मैं नेक्स्ट मंथ हूँ जा रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए 10 डेज़ के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियोस आप लोगों को सभी लोगों को मिलेगी। जो एक चीज़ मैं मेंशन करने वो है थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा, वो कैसा होता है अगर आप लेफ्ट साइड में मेरे देखोगे तो आपको ये थाईलैंड का मल्टीपल स्टिकर वीज़ा शो करेगा। ये स्टिकर वीज़ा होता है मोस्टली सभी को पता है कि जो थाईलैंड का जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है और वहाँ पर लोग मोस्टली वीज़ा ऑन अराइवल पर जाते हैं। और अगर आप मेरी राइट साइड पर देखोगे तो ये आपको कैम्बोडिया का ये है वीज़ा है, ये भी मल्टीपल वीज़ा होता है, इसमें मेरी सिंगल एंट्री है तो ऑटोमेटिक जो मेरी प्लानिंग है 1 to 2 दिन के बीच में रुकूंगा। सो ओवरऑल मेरा जो 4 कंट्री का वाला है जिसमें मैं थाईलैंड जाऊंगा, कंबोडिया जाऊंगा, मलेशिया जाऊंगा एंड सिंगापुर जाऊंगा। डेट अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि कब मैं जा रहा हूं, बट वेरी सून नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट मंथ क्या सॉरी जुलाई तो अभी स्टार्ट हो भी चुका है तो इसी मंथ मेरी प्लानिंग है, इसके बारे में आपको सभी अपडेट दूंगा मैं। और मोस्टली वीडियो आज बनाने का मतलब यही है कि कैसे हम स्टिकर वीज़ा अगर लेना चाहे तो मल्टीपल कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमको 6 मंथ बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। 6 मंथ बैंक की स्टेटमेंट, आपका काम का प्रूफ देना होता है, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख के करीब आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तो आपको ईजिली ही मल्टीपल स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। और इसी बिहाव पर अगर हम कंबोडिया का भी स्टिकर वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए भी हमको स्टेटमेंट चाहिए होती है, उसके लिए भी हमको सिंगल एंट्री का वीज़ा मिल जाता है। जो इसकी जो लेंथ होती है वो 90 डेज़ की होती है, जो आप वीज़ा में देख भी सकते हो। सो टोटल ओवरऑल ये मेरा प्लान है। जैसे आप सभी को लोग पता है कि मैंने एक ये स्पेशल कैमरा जो जिसके आप वीडियो बन रही है जो मैं रशिया की व्लॉगिंग में भी दिखाया था, इससे काफ़ी जो खूबसूरत वीडियो बनी थी और ये चारों कंट्री की खूबसूरत वीडियो बनेगी। और जो मेरा मेन है ये इन कंट्री को ट्रैवल करना, ये एक बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा देखने वाली वीडियो होगी कि कैसे मैं एक एक स्टेप में स्टेप बताऊंगा कि एक जो न्यू पर्सन है उसने कभी कहीं पर कंट्री में ट्रैवल नहीं किया तो उसके लिए कौन सी कंट्री ऐसी सेफेस्ट है जहां पर उसको एंट्री भी मिल जाएगी, जहां पर वो अपना ईजिली वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन वो स्टार्टिंग ही बैंकॉक से होती है क्योंकि रीज़न अभी क्योंकि आप मलेशिया और सिंगापुर भी जा सकते हो लेकिन अभी मलेशिया में काफ़ी सख्ती होगी हुई है, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ पर टूरिस्ट वीजे पर जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं लीगल हो जाते हैं। सेम एज वेल सिंगापुर में भी ऐसा है कि लोग टूरिस्ट वीजे पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए वो ऐसे कोशिश करते हैं लीगल हो जाते हैं। तो काफ़ी दो कंट्रियों की थोड़ी सी सख्ती इमिग्रेशन की हुई है फ्रेशर पर्सन के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जो इजी कंट्री है जो आपको इजीली एंट्री देती है वहाँ पर करें, उसमें से बैंकॉक थाईलैंड वीज़ा फ्री है 31 अक्टूबर तक। दुबई में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, अजरबैजान आर्मेनिया की ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कंट्री ट्रैवल करने के बाद ही आप सजेस्ट करूँगा आपको मलेशिया या सिंगापुर जाएँ। तो अगर आप फिर भी सिंगापुर मलेशिया जाते हैं तो आपकी होटल बुकिंग कन्फर्म पेड वर्जन लेके जाएँ, एयर टिकट रिटर्न लेके जाएं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाएं और आपकी जो ट्रैवल अटॉर्नी है वो भी लेके जाएं कि जब आप इमिग्रेशन में बताया जाए पूछा जाए कि आपने कहाँ कहाँ रुकना है और किधर किधर जाने की प्लानिंग है तो आप उनको बता सकें। और क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस व्लॉगिंग को मैं बहुत ही बनाऊँगा ज़बरदस्त तरीके से कि कैसे एक नया पर्सन उससे इमिग्रेशन से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वहाँ पर पेपर फिल किए जाते हैं, ओवरऑल हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। काफ़ी YouTube पर ऐसी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी लेकिन मैं ईजिली थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी हमारा जो नया सब्सक्राइबर है जिसने फ्रेश फर्स्ट टाइम घूमना है तो उसको वो ईजिली ही कैचअप कर सके, ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग ये मेरा 10 दिन का टूर होगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड हो जाइए
क्योंकि आप बैठे बिठाए मैं आपको इन कंट्रियों का ट्रैवल करवाऊंगा जैसे मैंने रशिया में किया था। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें जैसे ऑलरेडी आप कर रहे हो, क्योंकि हमने काफ़ी आगे बढ़ना है। और जो मेरा एक फ्यूचर, जो मेरी एक प्लानिंग है कि मेरे को जो इंडिया के 5 बेस्ट यूट्यूबर हैं, जो ट्रैवल यूट्यूबर हैं, उनमें से मैं एक होना चाहता हूँ। और रशिया के रिगार्डिंग में अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मिलना चाहते हो तो डायरेक्ट मेरे को मिलने आए, तो तभी आप लोगों को मिल सकूँगा मैं। ठीक है गाइस, इसी तरह ही मेरे चैनल पर बने रहें, नई नई वीडियोज़ के लिए अपडेट करते रहें। जो हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो बेस्ट होंगे, तो प्लीज़ आप इन सभी सीरीज़ को देखें। जो रशिया की मैंने एपिसोड भी बनाए, जो मैंने सीरीज़ बताए डे 1 डे 2, उन लोगों उन वीडियोस को भी देखें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो ये दूसरों तक वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि काफ़ी उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन मैसेज दिए हुए हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।